होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज कैसे होते हैं, ठीक है, सिंपल टिश्यू होते हैं ये, थिन इलास्टिक वॉल, इनकी जो इलास्टिक वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, ठीक है। यहाँ पे ये एक पैरेन्काइमा टिश्यूज है, यानी कि इनकी जो इलास्टिक वॉल्स होंगी वो बहुत वॉल्स जो है वो इलास्टिक होंगी और बहुत थिन होंगी। प्रेजेंट इन ग्राउंड टिश्यूज, कहाँ पे मौजूद होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज में मौजूद होते हैं, यानी कि जब टिश्यूज या कोई प्लांट बना होता है तो सबसे नीचे ग्राउंड लेयर में मौजूद होते हैं पैरेन्काइमा। प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि प्लांट के रूट में, स्टेम में, लीव्स में, सब जगह क्या मौजूद होंगे, पैरेन्काइमा मौजूद होते हैं। अब पैरेन्काइमा जो है ये ऑरिजिन क्या है इनका, मोस्टली इन प्राइमरी ऑरिजिन, यानी कि ये प्राइमरी, जब प्लांट की प्राइमरी प्राइमरी स्टेज होती है उसमें ही जो है पैरेन्काइमा बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से क्या बन जाते हैं, पैरेन्काइमा बनते हैं। वैसे तो मोस्टली प्राइमरी में ही मौजूद होते हैं, लेकिन कभी कभी सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से भी पैरेन्काइमा बाद में बन जाते हैं। अब इनके शेप्स कौन कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा का किस किस शेप का होता है, पॉलीहेड्रल होता है, ठीक है, स्टीलेट होता है। स्टीलेट का क्या मतलब होता है, यानी कि जब पैरेन्काइमा स्टेम में मौजूद होगा, फाउंड इन स्टेम, स्टेम में जब पैरेन्काइमा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, स्टीलेट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड यानी कि कहाँ पे पैरेन्काइमा मौजूद होंगे, पैलिसेड टिश्यूज में, पैलिसेड, जब पैलिसेड टिश्यू में जो है पैरेन्काइमा मौजूद होंगे तो हम वो कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे। इलोंगेटेड टिश्यूज पैरेन्काइमा कब मौजूद होते हैं, जब वो पैलिसेड टिश्यूज में मौजूद होते हैं। पैलिसेड में क्या होता है, एयर स्पेसेस बहुत कम होती हैं, लेस एयर स्पेसेस होंगी, ठीक है। लोब्ड, लोब्ड जो शेप है वो कब होता है, जब ये पैलिसेड मेसोफिल टिश्यूज में होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल टिश्यूज में, जब पैरेन्काइमा कहाँ पे होंगे, मेसोफिल टिश्यूज में होंगे तो वो लोब शेप होंगे, ठीक है। तो ऑरिजन हो गया, शेप्स हो गए, अब बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा में क्या होता है, एक्टिव प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म एक्टिव होता है, प्रोटोप्लाज्म इसमें होता है, न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, बहुत ज़्यादा नजर वाजे होता है, नज़र आ रहा होता है न्यूक्लियस। थिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इलास्टिक वॉल्स, इसकी जो इलास्टिक वॉल्स हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, ठीक है। वॉल कंपोज ऑफ सेलुलोज, इनकी जो वॉल्स हैं वो किस पे कंपोज होती हैं, सेलुलोज, ठीक है। स्ट्रक्चर में एक और पॉइंट क्या है, क्लोजली पैक्ड, पैरेन्काइमा क्लोजली पैक होते हैं, जैसे ये क्लोजली पैक्ड है ना, ये पैक्ड है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद है, इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो छोटे छोटे से ये जगह नजर आ रही है ये सब इंटरसेलुलर, वैसे ये क्लोजली पैक होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। अब ये इंटरसेलुलर स्पेसेस का काम क्या होता है, ये गैसेस एक्सचेंज का काम करती हैं, गैस एक्सचेंज का काम करती हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा प्रोमिनेंट होता है, पैरेन्काइमा किसे कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस को, यानी कि जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं ये इसमें नजर आ रही है ना, ये भी इंटरसेलुलर स्पेस है, ये भी है, ये भी है, और ये क्या काम करते हैं, गैस को एक्सचेंज करा देती हैं। गैस एक्सचेंज किस वजह से होती है, इनमें क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जैसे कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों सेल को कनेक्ट किया हुआ है, जो चीज़ कनेक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पे ये समझ लें ये प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करेगा, इस सेल में जो प्रोटोप्लास्ट होगा, इस सेल में जो साइटोप्लाज्म होगा उसको इसमें ले जाएगा, यहाँ की गैसेस एक्सचेंज इस तरह से होती है, या जो मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है, तो वो कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा करता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, इसको यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ तीन सेल्स बनाए, ठीक है, ये तीनों सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इन सेल्स के बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस। अब यहाँ पे अगर मैं प्लाज्मोडेस्माटा बनाऊँ तो इन दो सेल्स को मैं जोड़ रही हूँ, इन दो सेल्स के बीच में यहाँ की गैसेस एक्सचेंज, यहाँ का मटेरियल एक्सचेंज होगा, किससे, प्लाज्मोडेस्माटा से। इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, वैक्यूल मौजूद होता है, जो कि इसके स्ट्रक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ फंक्शंस और कुछ फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है, इसके पैरेन्काइमा के फंक्शंस क्या है। पैरेन्काइमा किस में होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, सेल का डिवीजन होना, सेल डिवाइड होते हैं, जब सेल डिवाइड होते हैं या फिर वो अलग अलग हो जाते हैं तो वो दोबारा बनते कैसे, ठीक है, थीके? जैसे ये एक सेल है, ये एक दो अलग हो गए, ये दोनों ज्वाइन होंगे, ठीक है, या फिर ये हाफ सेल है तो इसको जो है ये दोबारा बन रहा है, रीजेनरेट हो रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, वाउंड हीलिंग होती है, यानी कि अगर वो टूट जाए, ख़राब हो जाए तो दोबारा वाउंड हीलिंग, वो दोबारा बन जाते हैं, रीजेनरेट होते हैं, रीग्रोथ होती है। तो मेरिस्टेमेटिक किस वजह से रीजेनरेशन होगी, किस वजह से वाउंड हीलिंग होगी, पैरेन्काइमा की वजह से, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये। नेक्स्ट क्या, फोटोसिंथेसिस।
पैरेन्काइमा में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस वजह से होता है, क्योंकि पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है ना। तो क्लोरोप्लास्ट किस में मौजूद है, पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में मौजूद है जब भी पैरेन्काइमा टिश्यूज में फोटोसिंथेसिस होती है, या इसका ये फंक्शन करता है। स्टोरेज क्या करता है, पैरेन्काइमा एक और क्या काम करता है, स्टोर करता है। स्टोर क्यों करता है, किस वजह से करता है, क्योंकि इसमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है। पैरेन्काइमा में ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये जो है स्टोरेज का काम करता है। क्या स्टोर करता है, फूड को, यानी कि फ्रूट्स में या रूट्स में जो है वो स्टोर कर देता है फूड को। किसकी वजह से, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। और ल्यूकोप्लास्ट किस में मौजूद है, पैरेन्काइमा में। नेक्स्ट क्या है, ग्राउंड टिश्यू। ये कहाँ पे मौजूद होता है, पैरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यूज में मौजूद होते हैं, ठीक है, ग्राउंड टिश्यूज में। अब ये क्या करता है, सेक्रेटरी का काम करता है। सेक्रेटरी मतलब क्या होता है, सेक्रेट करता है, ठीक है। पैरेन्काइमा सेक्रेटरी का भी काम करता है। पिगमेंटेड सेल्स क्या होते हैं, यानी पिगमेंटेड सेल यानी पिगमेंट कलर, ठीक है, गिव कलर टू पेटल्स एंड फ्रूट्स। पिगमेंटेड सेल पैरेन्काइमा में क्या करता है, कलर देता है पेटल्स ऑफ फ्रूट्स में, यानी फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं, फ्रूट्स के जो कलर्स होते हैं, पेटल्स पत्तियों वगैरह के जो कलर्स होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, पैरेन्काइमा की वजह से। पिगमेंटेड सेल्स ये प्रोवाइड करता है। वाटर स्टोरेज, इसमें क्या होता है, पैरेन्काइमा में वाटर स्टोरेज होता है। वाटर स्टोरेज क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिन है। हमने पीछे पढ़ लिया कि वॉल क्या है, थिन वॉल है और इलास्टिक है। अब वॉल जो है वो थिन है, बहुत पतली सी है, और उसके अंदर जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा है। वैक्यूल में क्या होता है, स्टोर हो जाता है वाटर, ठीक है। लार्ज वैक्यूल होता है और थिन सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से जो है वाटर स्टोरेज हो जाता है पैरेन्काइमा में। तो ये था पैरेन्काइमा का छोटा सा टॉपिक।